वेलकम दोस्तों, स्वागत है फिर से एक नई वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप ओप्पो A58 4G मोबाइल में दोस्तों आप फिंगरप्रिंट लॉक कैसे सेट करेंगे। दोस्तों अगर आप चाहते हैं अपने मोबाइल में डिस्प्ले फिंगरप्रिंट लॉक लगाना या स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक सेट करना, तो बहुत ही आसान तरीके से आप अपने मोबाइल में फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक सेट कर पाएंगे। तो उसके लिए आपको अपने मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद आपको थोड़ा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से आपको पासवर्ड एंड सिक्योरिटी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। जैसे आप इस पर क्लिक करते हैं, यहाँ पे फिंगरप्रिंट का ऑप्शन मिलेगा, आपको फिंगरप्रिंट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप क्लिक करते हैं, आपने पहले से कोई भी स्क्रीन लॉक बनाया रहेगा तो कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। अगर दोस्तों आपने नहीं बनाया रहेगा तो पहले आपको एक स्क्रीन लॉक सेट करने को बोलेगा, तो आप स्क्रीन लॉक सेट कर लेंगे। उसके बाद में यहाँ पे कुछ इस तरह से इंटरफेस हो जाएगा। दोस्तों मैंने पहले से बनाया था, वो डाल दिया, इस तरह से आपके मोबाइल में कुछ आ जाएगा। अब दोस्तों आपको करना क्या, यहाँ पे बता रहा है प्लेस योर फिंगर ऑन द सेंसर, अपने फिंगर सेंसर फिंगर को टच कीजिए। तो यहाँ से हम कर लेते हैं, फिंगर सेंसर फिंगर को स्कैन करवा लेता हूँ। जब तक दोस्तों आपको टच करना है, देख सकते हैं ब्लू टिक है जो, वो आपका पूरा फुल नहीं हो जाएगा। तो हम लगाते रहेंगे फटाफट और जब तक ये पूरा फुल नहीं हो जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा फुल होने को आया बिल्कुल, और फुल हो चुका, और डन का ऑप्शन नीचे भी मिल जाएगा आपको। तो डन के ऑप्शन पे क्लिक करना है और आपके मोबाइल में सक्सेसफुली दोस्तों स्क्रीन फिंगरप्रिंट लॉक सेट हो जाएगा। तो इस तरीके से दोस्तों आप भी अपने मोबाइल में आसान तरीके से फिंगरप्रिंट स्क्रीन लॉक सेट कर पाएंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को भी सब्सक्राइब करें।